सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जैबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। मेरे निहायती वाजिब उल एहतराम सामीन किराम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आप जो भी लोग इस कुरान की जो है वो तर्जमा और तफसीर जो है इसकी महफिल में, इस प्रोग्राम में, इस क्लास में जो भी हाजिर हुए, आप सबको मुबारकबाद देता हूं। इसके अलावा भी जो इन कामों में मसरूफ रहते हैं, क्या आप एक अजीम किताब को सीखने के लिए और अजीम सआदत को हासिल करने के लिए आप लोग तशरीफ लाए, तो अल्लाह तबारक व ताला आपको इसके अजर अजीम अता फरमाए और आप खास तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने ये इरादा किया कि इंशाल्लाह जो है वो एक साल में तकरीबन जो है हम इस कुरान की तफसीर को जो है मुकम्मल करेंगे। पहले रमजान में हमने जो है दौरा कुरान किया, उसमें और इसमें बहुत फर्क होगा, वो अपने वक्त के लिहाज से और अपनी कैपेसिटी के लिहाज से, अपने एक टाइम पीरियड के लिहाज से, अपनी एक नौइयत का जो है वो अजीम शान वो भी दौरा कुरान था जिसमें हमने रमजान में उसको मुकम्मल किया उसको। अब जो हम इसको करेंगे तो तकरीबन जो हम एक रुकू रोज करेंगे। बस आप लोगों से ये है कि ये जो वीडियो होगी ये भी मैं अनूर चैनल पे भी जो है वो अपलोड कर दूंगा, और इसके जो नोट्स होंगे अल्फाज महानी के एतबार से वो भी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, इस एतबार से आप जो उसको देख सकें और कुछ थोड़ी सी चीजें याद कर सकें। अगर कुछ चीजें याद कर लेंगे जो मैं समझाऊंगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आगे बाकी कुरान पाक को समझना। अब आपने करना यह है कि मैंने इस दफा इंतखाब किया कि आखिरी पारे से शुरू करते हैं, क्योंकि आखिरी पारा वैसे भी इसके एतबार से भी पहले किया जाता है और सूरतें छोटी होती हैं। फिर यह है कि जब हम शुरू से कुरान पाक करते हैं तो आखिर में जरा स्पीड से जाते हैं, तो वो कुछ उस तरह डिटेल से हो नहीं पाता। तो इंशाल्लाह हम ये आखिरी पारे से शुरू करेंगे। अच्छा, अब इसका तरीका कार ही होगा, एक तो इसके अल्फाज मानी जो है वो मैं अलहदा लिख के आपको दे दिया करूंगा, तो आपने जो है उसको समझ लेना है। कोशिश करें याद कर लें तो बहुत अच्छा है, और अगर कुछ अल्फाज शुरू में याद कर लेंगे तो आगे जब वो रिपीट होंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अब इसमें जो रुकू है इसमें इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो इसमें कुछ अफाल हैं, फेल जब आता है तो उसमें साथ कुछ जमाना होता है, जमाने का हमें तर्जमा करना पड़ता है, उसमें टेंस होता है, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर होता है, इसलिए अफाल को मैंने सेपरेट कर लिया कि जब ये अफाल आ जाए तो इसको समझना आपके लिए आसान हो जाए, और इसका तर्जमा जो है जब एक दफा आप समझ लेंगे तो इसी एतबार से आगे भी जो ये जाएगा। बाकी रहा जहां तक ग्रामर का, तो ग्रामर डिटेल से इसमें नहीं करेंगे, कोशिश होगी मेरी कि कुछ ऐसे लेक्चर मैं अपलोड कर दूं अपने अनूर चैनल पे ग्रामर के एतबार से कि आप में से जो देखना चाहे उसको कर ले, और दरमियान में कहीं मौका मिला तो कोई शॉर्ट कोर्स 2 महीने का या 3 महीने का ऐसे 2 या 3 मंथ का करके उसमें कुछ ना कुछ ग्रामर की जो है वो बेसिक चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन यहाँ जो आपने अब जो देखना है वो ज्यादा आपने इसी पे फोकस रखना है कि जो चीजें इजीली आपको समझ आ सकती हैं मैं बताता चाहूंगा। अच्छा, अब इसमें ये सूरह नबा है हमारी, और सूरह नबा एक मक्की सूरह है। अब इसमें आप आते हैं जो अफाल है, पूरे एक रुकू के अफाल मैंने सेपरेट करके जो इनको लिख दिया है,
आप देखें तो सबसे पहले एक लफ्ज आएगा यतसाअलूना, यतसाअलूना। अब आगे मैं बाद में कोशिश करूंगा थोड़े इनके मादा भी आपको बता दिया करूं। और इसमें अब देखिए, इसमें इसका मादा है सीन, हमजा और लाम, जिसको सवाल कहते हैं, सवाल करना। अब यहां देख लें क्या आ गया, सवाल कर रहे हैं, पूछ गछ कर रहे हैं, या इसके लिए लफ्ज यूज होता है चैमा गोइया करना, चैमा गोइया करना, क्वेश्चन करना, इन्वेस्टिगेशन करना, एक दूसरे से जो है एक चीज को पूछना, उसके लिए ये लफ्ज होता है सीन, ऐन और लाम इसका मादा है। सवाल जो है आप वैसे आम भी यूज करते हैं इसको उर्दू में। एक तो ये आ गया सवाल कर रहे हैं। अब ये कर रहे हैं, मैंने इसका एक तर्जमा किया जो एक प्रेजेंट को शो कर रहा है, प्रेजेंट को। तो ये जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो आपका आएगा, बस थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये सवाल कर रहे हैं और इसके साथ कौन सवाल कर रहे हैं, वो लोग, इसमें साथ ये आ गया। अच्छा दूसरा आ गया यालमून, यालमून ये इसका मादा ऐन लाम मीम है, जैसे इल्म से है, जान जाएंगे। ये जो हमारे पास यहाँ फिल मुजारे होता है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए आता है, तो ये जान जाएंगे वो। लम नजअल, लम जब भी आ जाएगा ये इसको पास्ट में ले जाता है, नजअल जो है किया। और इसमें नून आ गया, ये शुरू में नून आ जाए तो इसमें हम का तर्जमा होता है, तो किया हमने। खलकना, अब खलकना बहुत दफा इस्तेमाल होगा और इसका यूज है, ये आसान सा है, खलकना पैदा करना, बनाना, पैदा करना, इसके लिए ये क्या है यूज होता है। और इसके बाद आप आ जाए नेक्स्ट, इसमें तो इधर आ गया जालना। अब देखिए इस जालना में पहले क्या है, जीम ऐन और लाम, आगे है नून अलिफ ना। ये जो खलक ना है इस वजन पे जब भी आएगा, आपने ये वजन एक देख लेना, ये आखिर में नून अलिफ ना, इसका तर्जमा होता है हम। इधर क्या आ गया नून अलिफ ना हम, तो खलक ना इसके साथ भी आया, खा लाम काफ मादा है बनाया, हम कहां से आया नून अलिफ ना से, जालना ये भी क्या हो गया बनाना करना, किया किया हमने, हम का तर्जमा कहां से आया नून अलिफ ना से, बनई ना बनई बना बुनियान इससे होता है, बी बा नून और या होता है, नून अलिफ ना इसमें भी आ गया, इसका क्या तर्जमा है हम, बनाया हमने, तामीर किया हमने, अनजलना, नून जाल जा और लाम है मादा इसका, नाजिल किया उतारा बरसाया, इसके लिए ये यूज होता है। फिर आगे आ जाए इसमें भी देखें नून अलिफ ना जो है वो साथ इसके आ रहा है। इसके बाद आ जाए तो नुखरिजा, नुखरिज, नुखरिज वैसे तो यूज होता है इसके लिए निकालना, और जब जमीन से कोई चीज निकाली जाए तो उसे क्या कहते हैं, उगाना, उगाए। अच्छा अब यहां हमका तर्जमा क्या है, ये नून शुरू में आ गया, ये नून यहां से तर्जमा मैंने किया हम, यानी निकाला हमने। ऊपर एक आया था उसमें भी नून आया था, नजअल, नजअल में भी शुरू में देखें एक नून आया, इस नून की वजह से तर्जमा क्या बना है हमने। युनफखु फूंका जाएगा, ये ले जाता है इसको मजहूल में, उसके साथ इसका तर्जमा होता है, जैसे सूर फूंका जाएगा, फूंक मारने को कहते हैं। नून फा और खा मादा, यून फा फूंका जाएगा। इसके बाद आ जाए तो ता तू ना, आओगे चले आओगे, आओगे चले आओगे। अब इसमें शुरू में ये एक ता आया है, इस ता की वजह से इसका तर्जमा जो है वो क्या हुआ है, ये ता, इस ता की वजह से इसमें क्या आया तुम। अच्छा फुतिहत, फा ता हा इसका मादा है, ये ध्यान में रखना है जब भी आएगा इसका क्या मतलब होता है, खोलना, इफ्तिताह भी इसी से आता है, जैसे उर्दू में इस्तेमाल होता है, तो खोला जाएगा मजहूल का सीगा है। अब इसमें जो है इसका फाइल नहीं है, वो आ गया कानत, हो जाएंगे या हो जाएंगी, इसके लिए इस्तेमाल होता है। सुजीरत, सुजीरत चले जाएंगे, सैर से है, सैर करना जाना, सुजीरत चले जाएंगे वो। ला यजूकूना,
अब इसमें देखें ला यज़ूकूना जो यूज हो रहा है, इसमें एक लफ्ज है ज़ोक, ज़ाल वाओ और काफ, ज़ोक। ज़ोक होता है चखना, मजा लेना। तो जब इसके साथ ला आ गया तो ला किसके लिए आता है, नहीं, तो नहीं मजा लेंगे, नहीं चखेंगे वो। ला यरजूना, ला नहीं के लिए आ गया, यरजून, रा जीम और हमजा इसका मादा होता है, इसका रिजा गुमान करना, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, नहीं गुमान रखते। कद्दबू, कद्दबू जब होगा इसके साथ भी अलग भी आता है, तो कद्दबू जुटलाते थे वो, किद से होता है जुटलाने के लिए इस्तेमाल होता है। आह सही ना, देखिये वही एक वजन आ गया, नून अलिफ ना आखिर में आ गया, ये किसके लिए होता है, हम के लिए। तो आह सही ना, हिसा शुमार करना, शुमार किया हमने। जूकू, जूकू ये भी किससे है, जोक से, ऊपर भी देखे आया दा दाल वाव और काफ, ये भी दाल वाव और काफ, जूक, उसमें क्या था, मजा लेना चखना, या भी क्या चखो मजा लो, या इधर ये अमर का सीगा है और वहां मुजारे का सीगा है, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। लन नजीदा, नहीं बढ़ाएंगे, नजीद इसमें जा या दाल है, जायद होना किसी चीज का बढ़ना, तो नहीं बढ़ाएंगे हम। अच्छा इसके बाद आ जाए, तो ये हमारे अफाल कंप्लीट हो गए। अब आप बस एक जहन में रख लें कि इस रुकू को कंप्लीट करना है तो ये अफाल है, फेल जहां भी आएगा उसमें आपने साथ जो है वो एक जमाने का तर्जमा करना है, यानी उसमें आपने ये शो करना है कि वो जो काम हो रहा है वो पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। जो उसका आप तर्जमा करेंगे उसमें इस चीज का इजहार जो है वो जरूरी होता है। अब आपने देखा कि ये जितनी चीजों का मैंने तर्जमा किया इस सब में जो है वो कुछ गा गी किया है, ये ऐसे इस तरह का तर्जमा किया है कि किसी एतबार से उसमें जमाना जो है वो लाजमी क्या है आ गया, तो जमाने का जो है एतबार इसमें लाजमी होता है। क्या इसके बाद आगे आ जाए, इसमें अस्मा कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं उसको हम देख लेते हैं। आप देखें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो एक चीज आ जाती है वो क्या, अन्नबा। इसम की एक पहचान भी है, उसमें अलिफ लाम आता है या तनवीन आती है, अलिफ लाम या तनवीन आए तो समझ लें इसम है, उसमें आपने जमाने का तर्जमा नहीं करना। अब इसमें जब इसम ले तो ये क्या है, अन्नबा। अन्नबा क्या है, ये किस्म है जिसका क्या मीनिंग है, खबर। अन्नबा खबर, अल अजीम बड़ी, मुख्तलिफून। अब मुख्तलिफून क्या है, इसमें खा लाम और फा इसका मादा है जिसका मतलब इख्तिलाफ से होता है, तो इख्तिलाफ करने वाले, इख्तिलाफ। अब देखिए इन सब में मैंने कोई तर्जमा जो है वो इसमें कोई भी जमाना नहीं लेके आया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इसका कोई तर्जमा नहीं हो रहा। अल अर्द जमीन के लिए होता है, मेहादन बिछोना गैवारा। अब ये अस्मा अगर आपने याद कर लिए ये बहुत दफा इस्तेमाल होते हैं, अर्द जो है कुरान पाक में कितनी दफा आता है जिसका तर्जमा तो आपको आता है, मेहाद बिछोना गैवारा झूला। अल जिबाला पहाड़ के लिए इस्तेमाल होता है, अल औताद ये जमा है मेख के लिए, मेखों के लिए इस्तेमाल होता है, कील जो कील होती है स्टील की कील होती है, दूसरी कीलें होती है उनके लिए यूज होता है। अजवाजन जोड़े के लिए, नौम नींद के लिए आता है, सुबातन सुबातन आराम के लिए आता है, आराम करना सुकून हासिल करना। अल्लैल रात के लिए, लिबासन लिबास क्या होता है, पर्दा पोश, यानी जैसे लिबास किसी चीज को छुपा लेता है तो लिबास का क्या मतलब है, छुपाना किसी चीज को। अन्नहार दिन के लिए होता है, माशन रोजगार। अब इसमें अस्मा में आप देख लें तो इसमें से कितने मीनिंग आपको पहले आते होंगे और जो नहीं आता एक दो उसको याद करें, आप जैसे जैसे याद करते जाएंगे आपके लिए जो है वो आसानी होती जाएगी। सब बाहर ये साथ के लिए इस्तेमाल होता है, शेदादन, शेदादन क्या है, मजबूत, और मोहकम क्या वो इस्तेमाल होता है, मजबूत और मोहकम कोई चीज हो, पुख्ता कोई चीज हो उसके लिए शिदाद जो है वो इस्तेमाल होता है। इसके बाद आ जाए तो आगे सिराजन चराग के लिए होता है, वहाजन चमकता हुआ रोशन, सिराज चराग हो गया, वहाज जो है वो क्या है, रोशन चराग,
मौसरात ये बादल के लिए इस्तेमाल होता है, पानी से लबरेज बादल जिसमें बहुत ज्यादा पानी भरा उसको कहते हैं मौसरात। माअन ये तो पानी के लिए होता है। सज्जाजन, सज्जाज जोरदार मूसलाधार कसीर। तो माअन सज्जाजन ये जब दोनों वर्ड मिलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत तेज बारिश, मूसलाधार बारिश, जोरदार पानी का क्या होता है, बहुत तेज बारिश। हब्बन, हब्बन अनाज के लिए गल्ले के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जो भी जैसे गंदम का दाना है इसके लिए हब इस्तेमाल होता है। तो जो भी चीज जो हमें उससे कोई चीज खाने के लिए मिल रही है और दानों की सूरत में तो उसे कहते हैं हब है। और नबातन जो अरबी में इस्तेमाल होता है ये सब्जे के लिए, नबातात के लिए, जो एक समझ लें जैसे घास होती है इसके लिए, इन चीजों के लिए यूज होता है। जन्नात, जन्नात किसके लिए होता है, बागात के लिए, जन्नत बाग के लिए होता है। इसके बाद आ जाए अल्फाफ, अल्फाफ आप देखें तो अल्फाफ में ये जमा है और ये बहुत ही घने बागों के लिए, एक कहते हैं बाग, एक क्या बहुत जो है वो घना बाग हो तो उसको अल्फाफ कहते हैं। अल्फसल, फैसले का दिन, फसल क्या होता है, जुदाई डालने वाला, फैसला करने वाला, फैसले का दिन। मीकातन, ठहरा हुआ, वक्त मुकर्रर के लिए इस्तेमाल होता है। असूर, ये सूर होता है जिसको जो है वो फूंका जाएगा, दो तरह के सूर होंगे, एक पहला सूर फूंका जाएगा तो जो भी दुनिया में जिंदा है सब क्या है, उनकी डेथ हो जाएगी। दोबारा जब सूर फूंका जाएगा तो हजरत इसराफील फेंके गए अलैहिस्सलाम, तो उसके बाद दोबारा जो है क्या है, सारे जिंदा हो जाएंगे हिसाब किताब के लिए। तो ये सूर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। आगे आ जाए तो अफवाजन, फौजें, फौजदार फौज होता है। असमा, आसमान के लिए आता है। अफवाबन, दरवाजे होता है, आसान है। सराबन, सराब कहते हैं चमकती हुई चीज, तो ये इस्तेमाल होता है कि एक चीज नजर आ रही है और वो नहीं है, उसके लिए होता है ये सराब, यानी चमक रही है बजायर नजर आ रही है लेकिन हकीकत उसकी नहीं है। जैसे गर्मियों में जो है ना दूर से इंसान आए तो एक पानी नजर आता है तो वो ये समझता है कि रोड पे पानी है, करीब जाता है तो पानी नहीं होता बल्कि वो क्या है, वेपर्स होते हैं, वो वेपर दूर दूर से उसको जो है पानी की शक्ल में आते हैं, उसको सराब इसीलिए कहते हैं कि वो नजर कुछ और आता है और अंदर कुछ और होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सराब लफ्ज कहते हैं जो चमकता हो। मिरसाद, ताक में, घात में, निशाना बिना बना के जो बैठा हो, कोई ऐसा है कि किसी ने किसी को शूट करना है और वो उसकी क्या है छुप के एक जगह पे जो है बैठा है उसे कहते हैं मिरसाद है, ताक में बैठा है, घात में बैठा है। तागीन, सरकश, जो भी सरकश होगा उसके लिए इस्तेमाल होता है। सरकश क्या होता है, जो कोई चीज ना माने, जैसे शैतान सरकश हो गया, जो अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात को नहीं मानता उसे सरकश कहते हैं। माआबन, ठिकाना। बर्दन ठंडक के लिए इस्तेमाल होता है, ठंडी जगह। शराबन, पीने की हर चीज को अरबी में जो है शराब कहते हैं। हमीमन, गर्म पानी को कहते हैं। माअन वैसे पानी के लिए इस्तेमाल होता है हर किसी के लिए, हमीम जहां भी आता है ये गर्म पानी के लिए होता है। गस्साकन, कीट, जो किसी जख्म से निकले उसे गस्साक कहते हैं। जजाअन, जजा यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये किसके लिए हो गया, बदला, जजा, उर्दू में भी आप इस्तेमाल करते हैं जजा, किसी चीज का जो है वो बदले के लिए आता है। वफाकन, अब वफाकन को आप देखें तो पूरा वफाक करना, पूरा बदला देना जो उसके मुआफिक था, हिसाबन, हिसाब और मुआसबे के लिए इस्तेमाल होता है। लाबिसीन, लाबिसीन रहने वाले। अहकाम, मुद्दतों, बहुत ज्यादा अरसे को, बहुत जमाने तक कोई चीज रहे या उसका वजूद रहे तो उसे क्या कहते हैं, ये अहकाम है। किदाबन, जुटलाना, झूठ, किसी को जो है वो झूठा कह देना, किसी चीज को ना मानना उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो अब इस रुकू में ये अस्माएं जो मैंने आपको बताए, ये अस्मा अगर आप याद कर लें तो पूरे रुकू के जो है आपको अस्मा याद हो जाएंगे, ऊपर मैंने अफाल बताए ये अफाल हो जाएंगे। इसके बाद आप एक दफा अगर आज से आपने याद करने शुरू कर दिए,
अगले रुकू में जो नए लफ्ज आएंगे वो आप याद करेंगे, ये आपको ऑलरेडी याद होंगे, फिर इस तरह उससे नेक्स्ट रुकू में आएंगे। तो जब आप एक पारा कर लेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स जो है वो आपको याद हो जाएंगे, जब याद हो जाएंगे तो नेक्स्ट आप जैसे जाते जाएंगे आपके लिए जो है वो ईजी होता जाएगा और तर्जमा जो है समझना आसान हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आप आए तो कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ लफ्ज अन इस्तेमाल हुआ है। अन क्या होता है, ये अफाल होते हैं या कुछ ऐसे अस्मा आगे आएंगे जो इसी तरह जो है पूरे कुरान पाक में जो है बार बार और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब अन जो है वो के की बारे में से, ये तर्जमा जो वहां मुनासिब हो उसको कर लेते हैं। माँ यहाँ जो है वो किसी चीज के सवाल के लिए आता है, ये इस्तेफाम के लिए, किसी चीज, किस चीज के बारे में, क्या चीज, इससे क्वेश्चन के लिए यहाँ यूज हुआ है। एक माँ जो है वो जो के माना में भी आता है, ये जो मानी वाला नहीं है, ये क्या किसी चीज के बारे में जो क्वेश्चन किया जाता है उसके लिए आता है। अल्लाह जी जो हम वो सब, अब हम जब भी आएगा ये चीजें आप याद करेंगे, जिनके मानी ऐसे ही हर जगह वो जो यूज होंगे। फी में, फी ही जो ही होता है, इसमें, फी ही इसमें। अच्छा, इसके बाद है कल्ला, ये लफ्ज कल्ला है या मल्ला लिखा हुआ है, तो ये मिस्टेक होगी, इसको आप काफ कर लें, कल्ला। अच्छा, ये क्या होता है, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। आज ये सवाल के लिए आता है, क्वेश्चन करने के लिए, क्या, वट, वाओ आएगा और। अच्छा, इसके बाद आ जाए तो हमारे पास आएगा कुम, कुम जो जमा की जमीर है, तुम, तुम्हें, तुम सब, मिन से, लाम लिए, ता के लिए आता है लिए, अन्ना बेशक, और ये इन्ना भी होगा, इन्ना नहीं आया, इन्ना भी आता है, यहाँ इन्ना जहन में रखते हैं, इन्ना भी, अन्ना भी, इन्ना बेशक और अन्ना भी जो है ये इस्तेमाल होता है। यौम दिन के लिए, हा ये भी जमीर है, बार बार यूज होगी, इस, हा, हु, ही, ला नहीं, इल्ला मगर, दी, भी, साथ के लिए भी आता है, को के लिए भी आता है, इस तरह ये अल्फाज जो है यहाँ यूज होंगे। तो अब आप इन सारे अल्फाज को एक दफा देख लें तो आपके लिए जो है वो जब याद कर लेंगे आसानी होगी। अब हम आते हैं इसके तर्जमे की तरफ, तो और फिर इसकी जो है मुख्तसर तफसीर आपके सामने जो है वो बताऊंगा। तो अब कुरान पाक हम खोलते हैं तो वहां से जो है इसका तर्जमा जो है वो पढ़ते हैं, याद करके दोबारा जो है पढ़िएगा। एक दफा यहाँ पढ़ें, एक दफा कोशिश करें इस क्लास से पहले पढ़ें, एक दफा इधर पढ़ें, फिर एक दफा दोबारा पढ़ें, ये तीन दफा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ये चीजें बहुत हद तक जो है वो याद रहेंगी। तो अब इस पे आ जाएं कि हम इसको देखते हैं उन्हीं मानी कि उसमें अम्मा यतसाअलून, सूरह नबा है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इस सूरा में दो रुकू हैं, मक्की सूरा है ये। अम्मा यतसाअलून, इसके शुरू में अन है और साथ इसके माँ है, मीम अलिफ मा, जो अभी मैंने आपको बताया था किसके लिए आती है, क्वेश्चन करने के लिए। अम से, माँ किस चीज के, किस चीज के बारे में या किस चीज के लिए, यतसाअलूना, एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। जब ये यतसाअलून, सवाल करना, क्योंकि एक दूसरे से कर रहे हैं तो उसमें एक दूसरे का तर्जमा जो है वो आ जाएगा। तो अम्मा यतसाअलून, किस चीज के बारे में वो एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। अनिन नबाइल अजीम, वो अजीम, नबा अजीम के बारे में सवाल कर रहे हैं, यानी ये जो इस्तेफाम पहले था ये इस्तेफाम इधर भी आएगा, दोनों जगह जो है वो एक ही इस्तेफाम आएगा कि क्या वो आपस में सवाल कर रहे हैं, किस चीज के बारे में सवाल कर रहे हैं। अनिल नबा अजीम, वो नबा अजीम के बारे में क्या सवाल कर रहे हैं, तो ये इस्तेफाम दोनों जगह ही आएगा।
अब था क्या इसका, थोड़ा सा आप देखें तो बैकग्राउंड इसका ये है कि उस जमाने में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत हक उन्हें दी तो एक तो उन्होंने क्या बताया गया कुरान पाक के बारे में, दूसरा रसूलुल्लाह ने अपने बारे में बताया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ये अल्लाह की तरफ से किताब है, फिर अल्लाह तबारक व ताला की दात के बारे में बताया, उसकी जो है वहदानियत के बारे में बताया, शिर्क से मना किया, चौथी जो चीज थी वो आखरत के बारे में। तो मक्की जिंदगी में, मक्की दौर में अकायद में से ये चीजें थी जिनको बार बार जो है वो एड्रेस किया गया। अब जब ये चीजें उनको बताई गई और उनसे इन चीजों के बारे में सवाल किया गया, ये सवाल जब उनसे बार बार किया गया तो वो आपस में बतौरे तंज ये बातें करते थे क्योंकि उन्हें काफी चीजों का पता था। अब क्या सवाल करते थे, क्या क्या हम मर जाएंगे फिर हमारी हड्डियों को इनको जिंदा किया जाएगा, हमारे आबाओ अजदाद को जिंदा किया जाएगा, फिर जो इस तरह के वो क्वेश्चन करते थे कि ये कुरान जो है वो अल्लाह की तरफ से नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज अल्लाह कहते थे अपनी तरफ से गढ़ लिया है और ये अपनी तरफ से नबूवत का दावा कर रहे हैं, नबूवत आती तो हमारे किसी रईस पे आती, इस तरह की बातें वो करते थे। उस पर सवाल किया गया और खास तौर पर जो है जो आगे चीजें आ रही हैं उनसे ये पता चलता है कि आखरत के बारे में वो ज्यादा जो है वो बातें करते थे। तो किस चीज के बारे में वो आपस में सवाल कर रहे हैं, अने नबा नजीम, उस अजीम खबर के बारे में, नबा खबर होती है, वो अजीम खबर यानी रसूलुल्लाह ने जो उन्हें वो खबर दी उसके बारे में, अल्लाजी हुम फीही मुख्तलिफून, जो वो उसमें इख्तिलाफ रखते हैं, यानी वो ऐसी खबर थी कि वो आपस में भी उसके बारे में इख्तिलाफ रखते हैं। तो अगर यह यतसाअलून से ये मुराद ली जाए कि इससे कुफार मुराद है, तो जब इनसे कुफार मुराद लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये कुफार जो है वो आपस में भी उनके इख्तिलाफ मौजूद हैं। कुछ तो बिल्कुल इनकार करते थे आखरत का, कुछ जो है किसी एतबार से इस पे यकीन रखते थे, लेकिन जो है क्या है उसमें से कुछ ऐसी चीजें थी जिनका जो है वो इनकार कर रहे थे। इस तरह उनके आपस में भी कुछ जो है वो पुराने पाक को जो है वो जादू की किताब कहते थे, कुछ कहते थे ये मनगढ़ंत है। तो मतलब इस तरह की अजीब बातें जो है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपस में भी आखरत और कुरान के बारे में इख्तिलाफ रखते थे। उस इख्तिलाफ के बारे में उनसे सवाल जो है वो बताया गया कि वो इसके बारे में इख्तिलाफ करते हैं। फिर क्या फरमा दिया, कल्ला, ये झिड़कने के लिए आता है कलामे अरबी, जब भी आएंगे अरबी जुबान में जो है वो हरगिज नहीं, इसका तर्जमा होता है हरगिज नहीं, सा अनकरीब यालमून, वो जान जाएंगे, यालमून जानना, सा अनकरीब। अब इस अनकरीब से पता चला कि ये क्या है, फ्यूचर में चला गया है कि अनकरीब वो जान जाएंगे। सुम्मा फिर कल्ला हरगिज नहीं, सा यालमून अनकरीब वो जान जाएंगे, दो दफा ताकीद के साथ ये बात की, दो दफा ताकीद के साथ। अब दो चीजें थी, एक तो ये भी था उन्हें कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो दुनिया में भी तुम पे अजाब आएगा, और एक आखरत का भी था। तो अगर इस एतबार से लें तो पहला कल्ला सा यालमूना, यानी दुनिया में भी उन्हें पता चल जाएगा, सुम्मा फिर कल्ला सा यालमूना, हरगिज वो अनकरीब जान जाएंगे, यानी दो दफा उनसे कहा जा रहा है। और दो दफा कहने का मतलब क्या, ताकीद के लिए, कि वो जिस बात में इख्तिलाफ कर रहे हैं और नहीं मान रहे, ऐसा वक्त करीब है कि वो इसको अच्छी तरह जो है वो उनको इसका पता चल जाएगा। तो यहां तक उस बात के शुरू में आगाज हुआ। अब उस पे जो है दलाइल दिए जा रहे हैं कि वो जो अजीम खबर है कि आखिरत में तुमने दोबारा उठना है और तुम्हें हिसाब किताब देना है, जिसका तुम इनकार करते हो, तो जिसका वो इनकार करते थे या जिन बातों से वो इनकार करते थे, आगे अल्लाह तबारक व ताला ने वो सिफात जिक्र करके उन्हें बताया कि जिस रब ने ये सारा काम किया है, यानी जमीन को बिछा दिया, पहाड़ों को जो है वो क्या उसमें लगा दिया, फिर अजवाज जो है सबको जोड़े जोड़े पैदा किया, या आगे जितनी सिफात जिक्र की जा रही हैं, इसके बाद उन्हें बताया जा रहा है कि बताओ ये चीजें किसने बनाई हैं और कब बनाई हैं और कब से हैं। तो जब वो इसका जानते थे कि ये बहुत अरसे से है, और आप इसकी बात कर रहे हैं सूरह नबा, तो अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ पहले जो है उस सवाल के बारे में बताया कि अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फी मुख्तलिफून कल्ला सयालमून थुम्मा कल्ला सयालमून।
तो बता दिया कि अनकरीब जो है वो क्या है, इस चीज को जान जाएंगे। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने उन सिफात का जिक्र किया जिन सिफात के साथ जो है इनको वजाहत के साथ कि ये सिफात किसी आम शख्स की जो है वो नहीं हो सकती, किसी आम जो है वो क्या है बुत की नहीं हो सकती। और इसको ये भी मानते थे कि ये जितनी चीजें हैं ये अल्लाह तबारक व ताला या उस जात के अलावा कोई और नहीं बना सकता। तो उनकी जो है वो जिक्र करके उनको बताया जा रहा है, अलम नज अलिल अर्द मिहादा। अब इसमें वजाहत कर दी, लम नज अल नहीं किया, नहीं बनाया, आज जो है हमजा इस्तिफाम के लिए है, क्या नहीं बनाया हमने अल अर्द जमीन को, मिहादा बिछोना, जमीन को जो है क्या बिछा दिया ताकि जो है इस पे क्या है जिंदगी जो है उसको और जिंदगी के मामलात को जो है आसानी जो है वो किया जा सके। तो जमीन के बारे में फरमा दिया, फिर कहा वल जिबाल औतादा। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि जो जिबाल हैं, पहाड़ हैं, उनको औताद बना दिया। औताद मैंने तर्जमे में अभी वजाहत की थी कि औताद क्या है, मेखों को कहते हैं, यानी पहाड़ ऐसे बना दिए जमीन पे कि वो मेखों की तरह हो गए। अगर ये पहाड़ ना होते तो जमीन जो है मुसलसल हरकत करती रहती, मुसलसल कांपती रहती। तो इस पे जो है ना कोई घर बनाया जा सकता, ना इंसान जो है वह आसानी चल सकता था। तो अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन को सुकून देने के लिए फरमाया कि जिबाल को, पहाड़ को एक मेघ की सूरत में जो है बना दिया। वह खलक ना कुमाजवाजा, और पैदा किया हमने, खलक ना हमने पैदा किया, कुम तुम्हें, अजवाजा जोड़े, यानी जोड़े जोड़े जो है बना दिया। और हर चीज को अल्लाह तबारक व ताला ने जोड़े बनाया। जोड़ों में एक ये भी खासियत होती है कि सिफात मुख्तलिफ होती हैं लेकिन साथ जो है वो मिलके रहते हैं। वजअलना नौमकुम सुबाता, और कर दिया तुम्हारी नींद को, नौम कहती है नींद, जालना किया ना हम, हमने कर दिया नौमकुम तुम्हारी नींद को, सुबाता आराम के लिए, यानी तुम्हारी नींद को तुम्हारे लिए आराम का जरिया बना दिया। वजअलना जालना लैला लिबासा, और कर दिया हमने, बना दिया हमने अल्लैला रात को, लिबासा लिबास बना दिया। लिबास का क्या मतलब है, जो इन चीजों को ढांप ले, और जो चीज को ढांप ले और एक सुकून और इत्मीनान देती है, उस सुकून और इत्मीनान के एतबार से कहा कि रात को जो एक पर्दा पोश बना दिया। वजअलनल नहारा माशा, और कर दिया हमने दिन को माश, माश का जरिया कर दिया, रोजगार का जरिया कर दिया कि उस दिन को जो है वो रोजगार के लिए मेहनत और कोशिश की जाती है। वह बने ही ना, और बनाया हमने फौका कुम तुम्हारे ऊपर, सब अन सात शिदादा, सात जो है वो क्या तामीरें कर दी, सात तामीर, और यहाँ सात तामीर से मुराद क्या, सात आसमान बना दिए। फजालना सिराज, और बनाया हमने, किया हमने सिराज, सिराज किसको कहते हैं, एक इसको जैसे सूरज है उसके लिए इस्तेमाल हुआ है सिराज, बहाजा चमकता हुआ, तो हमने जो है इसको चमकता हुआ चराग बना दिया, यानी सूरज जो है यहाँ बना दिया, जिसके बेशुमार जो है वो क्या है फवायद हैं, और उनके फवायद जो है हासिल किए जाते हैं। वानजलना, और नाजिल किया हमने, मिनल मोसरात, मोसरात से, मोसरात किसको कहते हैं, बादल को, बादलों से, मा अन पानी, यानी हमने उससे एक पानी निकाला। अब पानी कैसा निकाला कि मान सज्जाजा, मूसलाधार, भरा हुआ, बहुत ज्यादा लबरेज, तो हमने उससे पानी बरसाया। नुखरीजा भी, ताकि हम जो वो खारिज करें, निकालें इससे, यानी उगाएं। वैसे निकालना जमीन के लिए हो तो क्या उगाना, हब्बन, हब होता हर किस्म का दाना और गल्ला। वह नबातन, और नबातात, नबातात इसमें बाकी सारी चीजें जो है वो नबात के लिए जो है वो इस्तेमाल हो जाती है, सब्जा वगैरह। वह जन्नातिन, और बागात, अल्फापन घने, बहुत ही घने जो है वो बागात जो है उनको क्या यहाँ कायम कर दिया और निकाल दिए। यहां तक अल्लाह तबारक व ताला ने इन सारी सिफात का जिक्र किया, और ये ऐसी सिफात थी कि कोई भी जरा सी भी अकल रखने वाला इन किसी भी इस चीज को इनकार नहीं कर सकता, कि कोई भी अकल रखने वाला जो है वो क्या है
इसका इनकार नहीं कर सकता और उसको समझ आएगी कि ये चीजें किसी और इंसान के जो है वो या किसी और मखलूक के बस की बात नहीं है, ये कैसी ही जात कर सकती है जिसमें जो है वो क्या है एक खालकियत वाली सिफत हो, जिसने शुरू से आखिर तक सबको पैदा किया हो, जिसमें वहदानियत हो, जो रब्बुल आलमीन हो, तो वही ये सब कुछ कर सकता है। ये सारी चीजें बताने के बाद और जिक्र करने के बाद अब अल्लाह तबारक व ताला आगे जिक्र कर रहे हैं इन्ना यौमल फसली कि बेशक फैसले का दिन, यौमल फसल, फसल क्या होता है फैसला, यौम दिन, फैसले का दिन काना मी का था वो मुकर्रर है, यानी फैसले का जो दिन है वो मुकर्रर है। अब बताया जा रहा है कि आखिरत में क्या मामलात होंगे, एक फैसले का दिन होगा जब सब हिसाब किताब किए जाएंगे। यौमा युनफखु फिस्सूरी कि जिस दिन फूंका जाएगा सूर में, सूर समझ लें जिसमें जो है एक ऐसी चीज बनी है कि उसमें उसको फूंक दिया जाएगा, यानी सूर फूंका जाएगा। और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और यहाँ सूर कौन सा है, सूर सानी मुराद है कि जिसके बाद सारे जो है उठ के अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हिसाब किताब के लिए हाजिर हो जाएंगे, ये मुराद है। पता तू ना अफवाज, तो सारे जो है वो आ जाएंगे अफवाज फौज दर फौज, जितनी भी मखलूकात हैं उस दिन सारी मखलूकात जमा होकर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाजिर हो जाएंगी। फुतियत समाऊ और खोल दिए जाएंगे आसमान, आसमान भी उसको खोल दिया जाएगा। फकानत अबवाबा और वो ऐसे हो जाएगा कि उसमें दरवाजे ही दरवाजे हैं, बाप दरवाजे को कहते हैं, तो आसमान में ऐसे जो है दरवाजे और रास्ते बना दिए जाएंगे कि तमाम जो है फरिश्ते उतर के वहां से जो है वो नीचे आएंगे। वसुय्यिरतिल जिबालु और वो ऐसा होलनाक दिन होगा कि इतने सख्त जो पहाड़ है सुय्यिरत कर दिया जाएगा, अल जिबालु पहाड़ों को इनको ऐसे कर दिया जाएगा कि ये क्या चलना शुरू कर देंगे। सुय्यिरत वैसे सैर से होता है चलना, फिर क्या होगा चला दिए जाएंगे। फकानत सराबा बस वो ऐसे हो जाएंगे जैसे सराब है कि कोई चीज है जो चमकती है और हकीकत वो नहीं होती, यानी पहाड़ एक राई की मानिंद हो जाएंगे और उड़ते हुए जो वो नजर आ जाएंगे सराब की तरह। ये सब बताने के बाद इस औलाकी के बाद फिर बताया जा रहा है इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा कि बेशक जहन्नम जो है वो क्या है मिरसाद है। मिरसाद कहते हैं किसी चीज का ताक में रहना और निशाना लगा के बैठे हुए होना, यानी जहन्नम जो है उन 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 बंदों को उन लोगों को जो ऐसे अमाल करेंगे कि जहन्नम में जाएंगे उनको जो है वो देख रही है। ले तागीना और जो भी क्या है तागीन है सरकश लोग हैं, माबा उनका वो ठिकाना होगा, माब ठिकाना रहने की जगह यानी उन्होंने वहीं रहना है। लाबिसीना फीहा रहेंगे वो वहां वक्त गुजारेंगे, फीहा उस जहन्नम में, अहकाबा काफी अरसे तक, अहकाब क्या मुद्दतों के लिए इस्तेमाल होता है बहुत मुद्दत तक। अब उस जहन्नम के जो है वो हालत कैसी होगी बताई जा रही है, ला यज़ूकूना फीहा बर्दम वला शराबा नहीं चखेंगे वो नहीं मजा लेंगे वहां, किसका फीहा बर्दन किसी ठंडी चीज का ठंडक का, वला शराबा और ना कोई पीने की चीज होगी, वो पीने की चीज जिससे प्यास बुझे ऐसी कोई चीज उनके लिए पीने की नहीं होगी। इल्ला मगर हाँ पीने के लिए होगा वो क्या होगा हमीमा गर्म पानी होगा, यानी शराब क्या कोई मशरूब उनके पास कोई मशरूब नहीं होगा, कोई वहां ठंडक नहीं होगी जिस ठंडक से उन्हें राहत मिले ऐसी ठंडक नहीं होगी। वगस्सा का और पीप होगा जो जख्मों से जो वो निकलता है, जजा अम विफाका ये उनका जजा बदला होगा, विफाका पूरा पूरा मुवाफिक जो जैसे उन्होंने अमाल किए उसके मुताबिक उन्हें जो है वो क्या बदला मिला है। इन्ना हुम कानू ला यर्जूना हिसाबा ये सारा काम क्यों हुआ, इन्ना बेशक हुम वो कानू ला यर्जूना नहीं उम्मीद रखते थे नहीं रिजा रखते थे हिसाबा हिसाब की, यानी उन दुनिया में उनकी नजरिया ये था कि हमारा कोई हिसाब किताब दिया वो नहीं होना। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा और जुटलाया उन्होंने हमारी आयात को, यानी जुटला दिया दुनिया में, दुनिया में उन्होंने जुटला दिया हमारी आयात को, किज़्ज़ाबा जुटलाना
जब ये मस्तर के साथ दोबारा वही चीज आ जाए तो उसकी शिद्दत पे जो है वो बताती है कि उसके बारे में क्या ताकीद आ जाती है। तो जुटलाया उन्होंने बुरी तरह जुटलाना, यानी हर दर्जे का उन्होंने जो है इन चीजों को वकुल्ला शय ना सही ना हो, और हर वो चीज शुमार करके रखा है हमने उसे किताबा, वो लिखी हुई है। तो कुल आ सही ना हो, हर चीज का हमने शुमार किया हुआ है, किताबा लिखा हुआ। अब ये जो है आ सही ना के बाद जो किताब है ये भी मफूले मुतलक है, और इसके गैर गैर लफ्ज के साथ जो है वो क्या है इसका जो है ताकीद आई है कि उसको हमने अच्छी तरह शुमार करके रखा हुआ है। फज़ूकू, बस चखो तुम। अब यह अमर का सीगा आ गया और उन्हें हुक्म दिया गया, जब वहां पहुंच गए फज़ूकू, अब चखो तुम। फलन नजीदा, बस हरगिज नहीं हम ज्यादा करेंगे तुम तुरमे इल्ला अदाबा, यानी अदाब ही तुम्हारा जो है बढ़ता जाएगा, यानी तुम्हें जो चीज दी जाएगी वो ऐसी होगी कि तुम्हारा अदाब जो है वो क्या बढ़ जाएगा, और इसमें किसी किस्म की कोई कमी जो है वो नहीं आएगी। तो अब देखिये इन आयात में, इस रुकू में पहले तो ये बताया गया और इस चीज का इजहार किया गया और वजाहत कर दी गई कि ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जो है वो क्या है इख्तिलाफ रखते हैं, और वो क्या इख्तिलाफ रखते हैं इसके बारे में, और वो क्या थी क्यामत के बारे में। तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने हर चीज की जो है वो वजाहत करके बताई कि ये जो चीजें हमने पैदा की हैं और जितनी चीजें जो है तुम्हारे सामने हैं, इन चीजों पे अगर तुम गौर व फिक्र करो तो तुम्हें खुद इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि ये किसने पैदा की। तो जब इन चीजों की तरफ जाओगे तो फिर उसके बाद यह जिक्र किया किसका, ये कि फसल का दिन आ जाएगा, उस दिन जो है तुम्हारा हर चीज का जो है फैसला कर दिया जाएगा, उसका बता दिया। फिर क्यामत के दिन जो हाजिरी होगी उसके बारे में बता दिया कि सबको जमा किया जाएगा। यानी वो जिस चीज के बारे में वो इख्तिलाफ रखते थे और आपस में बहस करते थे, हर चीज की वजाहत करके जो है इसने बता दिया गया। तो जब ये बताया और सारे चीज का जो है उन्हें ये पता चल गया, तो इसके बाद उनके पास किसी किस्म की गुंजाइश या वो नहीं रही कि वो इस दिन का इनकार करें या जो है क्या है इन चीजों का जो है वो बिल्कुल जो है वो इनको जुटला दें। तो ये हमने आज इसका आगाज किया, तो इंशाल्लाह आज कुछ नेट की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम था तो तफसीर थोड़ी कम बयान की, तो कल इंशाल्लाह जो है वो, अब वक्त खत्म होने वाला है, आगे ईशा की अजान हो जाएगी, तो कल इंशाल्लाह अगले रुकू के बारे में जो है बात करेंगे। खुद भी आप आए इंशाल्लाह, टाइम पे तशरीफ लाएं, अल्लाह तबारक व ताला आपको इज्जत दे, जजा दे आपको, और कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए, और बाकी लोगों को भी दावत दें। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इस मुख्तसर वक्त में जो है एक रुकू के एतबार से इसको हम करें। बाकी इस वीडियो को भी मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पे, अनूर चैनल है उस पर आप देख लेंगे, और इस एतबार से जो है वो जो हमारा ग्रुप बना है उस ग्रुप में जो है जो मैंने इसमें मानी और उनके जो है वो तर्जमा वगैरह जो लिखे अल्फाज के वो उसमें उस एतबार से नोट्स की सूरत में दे दूंगा। तो कोशिश करें कि आप इन चीजों को जो है वो याद करें अच्छी तरह, ताकि शुरू में याद कर लेंगे तो आगे आसानी होगी, और जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह तफसीर जो है उसकी तरफ थोड़ी ज्यादा जो है वो तवज्जो हमारी होगी, क्योंकि मानी की तरफ तवज्जो और अल्फाज की तरफ जब थोड़े याद हो जाएंगे तो आसानी हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि जो कुछ सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।